तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 4 स्टेप्स जिनकी मदद से आप अपनी रैम की कैश मेमोरी को क्लियर कर सकते हैं और बूस्ट अप कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुरप चैनल। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल गुरप सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और इधर आपने सर्च करना है CMD। तो ये आपके पास इधर आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपने इस पर क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इधर आपने डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेक्स्ट आपने कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है Ctrl+V से। तो इसके बाद आपने सिंपल इंटर प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, इससे आपकी DNS रिसॉल्वर फ्लश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने इसको सिंपल इधर से क्लोज कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या करना है कि आपने Ctrl+Shift+Escape बटन प्रेस करना है, तो आपके पास टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा और इधर से आपने इधर स्टार्टअप पर क्लिक करना है और इधर से जो आपके पास स्टार्टअप पर एप्लीकेशंस इनेबल हैं उनको आपने इधर से टर्न ऑफ कर देना है जिनकी आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि ये मैंने इधर से बहुत सारी एप्लीकेशन को ऑलरेडी टर्न ऑफ किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इधर से दोबारा इनेबल करता हूँ और आपके पास इस तरह बहुत सारी एप्लीकेशन स्टार्टअप पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, तो उनको आपने इधर से जाकर इस तरह डिसेबल कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है कि आपके सिस्टम में जो भी फजूल के एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं उनको अनइंस्टॉल कर देना है। तो अनइंस्टॉल करने के लिए आपने इधर स्टार्ट मेन्यू में जाना है और इधर आपने सर्च करना है ऐड और रिमूव। तो फ्रेंड्स, इधर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा ऐड और रिमूव प्रोग्राम, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इधर आपके पास वो सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी जो आपके पास आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हैं, तो इधर से आपने इनको सिंपल अनइंस्टॉल कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अडोब प्रीमियर प्रो को इधर से अनइंस्टॉल करना चाहता हूं, तो मैंने सिंपल इस पर इस तरह क्लिक करना है और इधर से आपने अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है और इधर से अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो ये इधर से आपने इसको सिंपल इस तरह अनइंस्टॉल कर देना है और इधर से आपने क्लोज पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स, ये आपके पास अनइंस्टॉल करने का हर एक एप्लीकेशन का अपना वे होता है, जो कि हमारे पास बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास 4th स्टेप आ जाता है कि हमने वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज किस तरह करना है और हमारे सिस्टम के रिकमेंडेड मेमोरी के अकॉर्डिंग हमने उसको सेट किस तरह करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने सिंपल अपने दिस PC पर राइट क्लिक करना है और इधर से आपने प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इधर आपने एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इधर आपके पास एडवांस्ड ऑप्शन ऑलरेडी चूज होगा, इधर से आपने सिंपल परफॉर्मेंस में इधर से सेटिंग्स पर क्लिक करना है और इधर से आपने एडवांस्ड पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इधर से आपने वर्चुअल मेमोरी में इधर चेंज पर क्लिक करना है और इधर से आपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्चुअल मेमोरी सेट कर लेनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ये जो इधर रिकमेंडेड मेमोरी दी गई है, इसी को आप अपने कंप्यूटर में सेट करें। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको सी ड्राइव पर सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने सिंपल इधर से कस्टम साइज पर क्लिक करना है और इधर आपने ये वाली रिकमेंडेड मेमोरी टाइप कर देनी है। तो मैं इधर टाइप करता हूँ 1385 और इसी तरह हम इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से और इधर से हमने सेट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आप इधर से सिंपल ओके पर क्लिक करेंगे और इधर भी ओके पर क्लिक कर देंगे और इधर भी। तो फ्रेंड्स, ये आपके पास इस तरह वर्चुअल मेमोरी आपके सिस्टम की सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।